कम से कम 45 कमरे हैं, वीआईपी रूम है। हाँ, मन बहुत बड़ो करते आराम दे जी को सगड़े भैया। राम राम और सलाम, मैं हनुमान थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। तो आज आप राव सर के अंदर हाँ और भगत सिंह चौक है बिंग ठीक सामने बाबा रामदेव जी को मंदिर बनेड़ो है। आप ये मंदिर के अंदर आप पहुंचे और मंदिर को क्या इतिहास है वो भी आप पुजारी जी है आप बातचीत करके देखा। और मंदिर है वो थे देख सको पूरा है, गुब्बारा वगैरह लगा के मंदिर ने पूरा है वो सजाड़ो है। अच्छा किया थे कठू आयो नोरू? अच्छा किया मतलब पहली आयता के हर साल आओ के था? मन बहुत बड़ो करते आराम दे जी को। अच्छा के परसो हो वो भी थे मन बताए? मेरा नहीं हाथ बहुत खराब होता। अच्छा जे कास्टिक साबुन यूज करते थे मेरा हाथ खराब हो जाता है। मतलब बाबा को बात होता और बीच में। अच्छा तो मैं पैदल यात्रा लगाई रही राव सर मेरी। अच्छा राव सर नोर हूँ राव सर थे पैदल भी आया? अच्छा कद की बात है? जब मेरी मैरिड को नहीं होड़ी। अच्छा मेरे नानी जी ले गया मैंने, फिलहाल मेरे नानी जी दुनिया में है को नहीं। अच्छा नानी जी के जरिए ही मैंने परचो हो है। मतलब परचो थाने रामदेव जी को होड़ो है और थे आप जी आप कोई दिक्कत को नहीं? अब कोई दिक्कत को नहीं, बिया रामदेव जी मारा इष्ट देव भी है। अच्छा अच्छा बहुत बड़ो परचो। तो 18 थन किया लगे? बहुत बढ़िया लगे। पर राव सर के अंदर हाँ और रामदेव जी बाबा मंदिर के अंदर आप खड़े और पुजारी जी है मुख राम जी आप मंदिर को क्या इतिहास है वो भी पुजारी जी वहाँ पर बातचीत करेंगे देखा। वीडियो शेयर जरूर करियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी खबरें भी थन मिलेगी। राम राम पुजारी जी। राम राम भाई जी। अच्छा आपने मंदिर है थोड़ा इतिहास की है बताओ? मंदिर को इतिहास ही है, एक बीमार दादा परदादा ही है, एक आज ही है, एक सेवा करता रहे है ठीक है। और ये एक भी आज के टाइम के अंदर ये एक मार दादा परदादा है को नहीं, नाम हरदासी है, मैं खुद सेवा कर रही हूँ। कितना साल पुराना मंदिर है वो? वो मंदिर है ये एक भी 372 साल का पुराना है मंदिर। 372 साल का? हाँ 372 साल। ये जो गेदर परिवार है उनके वंशज है ये, जो तीसरी या चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी के अंदर चौथी पीढ़ी में चल रहा है। और इनको वहाँ से तारानगर से यहाँ से पगली लाए गए हैं जो ठाकुर साहब है ना, वो बलभद्र सिंह जी के वंशज हैं। उन्होंने यहाँ उनकी कोड हो गई थी, कोड होने से उनके कोड ठीक होने से उनके के वहाँ से पगली लाए थे, किसी ने बताया। तो उनके इनके परदादा हैं वो दादा या परदादा उनके पगलिए देखो ये भी निर्माण तो देखो ये रजवाड़ा का टाइम का है ठीक है, नारसिंह जी के टाइम का वहाँ रजवाड़ा का टाइम है वो यहाँ पगलिए। उसके ये एक भी कोड निकला हुआ था ना, इस कोड की वजह से ये एक बाबा का ये दरसा हुआ है। तो वहाँ से वो पैदल चले थे पगलिया लेके सर के ऊपर पैदल चले थे। और वहाँ ये जहाँ बाबा का ये है कि भी गुणगान हुआ वहाँ ये पगलिया रख दिया, वहाँ बाबा का गुणगान होना शुरू हो गया। अब की एक भी चलो ये की सेवा करने के लिए ये एक भी मार परदादा तो मैं ये एक भी पीछे ये एक रजवाड़ा गया, फिर ये एक साया गांव के अंदर आ गया, वहाँ मारखने ये एक बाबा रामदेव जी का मंदिर था जो गांव का दिया हुआ था सेवा कर रहे थे। फिर वहाँ से ये एक मेरे दादाजी को लेके आए थे ये इसे सेवा करने के लिए। अच्छा मतलब थारी पीढ़ी है भाई पुजारी? हाँ चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। हाँ जी। अच्छा कठू है श्रद्धालु है कठू कठू आवे? देखो ये एक भी दूर दूर से आज है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, जहाँ बाबे की ये गुणगान के लिए बहुत आते हैं। अच्छा प्राचीन टाइम के मंदिर वो जहाँ बनाए पगलिया स्थापित है बाद में वो मंदिर बनाए पहला ये पगलिया स्थापित है। अच्छा बाद में धीरे धीरे ये एक बीच चंदो मांगने से पाँच पाँच दो दस दस रुपया ये चंदो भेड़ो करके ये निर्माण किया हुआ है। अच्छा बाबा के चमत्कार है जी आप? देखो बाबा का चमत्कार ये है देखो जी कोड है, कोड है तो बाबा की जी सच्चे मन से हुई है कि बाबा ने चाहा तो हर चीज़ ये एक दूर करे वो। हाँ देख लो कई ना माँ के देखता देखता यहाँ पग पग दी है, आँख दी है। अच्छा और कोड भी ने जड़ी हुई देखी है तो कोड की वजह से ये झाड़ू और ये जो ये ना नमक उनकी आस्था के हिसाब से चढ़ाया जाता है। अच्छा वैसे प्रसाद तो होता ही होता है, उनके अलावा ये झाड़ू और नमक इसलिए स्पेशल चढ़ते हैं कोड के लिए, या फोड़ा पुंछी है, दाद है, खुजली है, खाज है, उनके लिए स्पेशलिस्ट हैं बाबा। तो क्या चीज़ चढ़ावा है बाबा ने जी हमारे ठीक बाबा के प्रसाद के अलावा ये नमक और झाड़ू? बाबा के प्रसाद के लिए जो इच्छा है आपकी जो इच्छा है बाबा की है भी सोवा मणि करनी है या हाँ जो सर ये मांगता नहीं है खुद देते हैं बाबू, अपने से कुछ नहीं मांगता है, अपन तो देवा को बाबू। तो
तो ये जो इच्छा है भी अपा ये भी नमक भारी चढ़ानी है या भी जोत को घी चढ़ाना है अगरबत्ती चढ़ानी है प्रसाद चढ़ाना है बेबी है जी कुदरती ये भी भूल ही गया अपा तो ये बाबा के नाम से भी है कि 2 रुपया चढ़ा दो बबी आया करे वो मतलब बाबू नाराज को नहीं हो हाँ बाबू नाराज को नहीं नहीं बाबू नाराज को नहीं है किसी अच्छा, रोशनी जी प्रोग्राम भी केट अठे होवे की हाँ प्रोग्राम देखो ये एक भी बहुत बड़ा मेला लगा था अभी फरवरी में लागे मेलो अच्छा फरवरी के अंदर अच्छा धोक है वक्त लागे रामदेव जी देखो बाबा की धोक तो चल रहा ही है भी देखो चरण पंखी एक ही शुला के और ये एक पूरा बादवा पक्ष में लगती है दूज का इनका जन्मदिन है और भादू की दशमी को बड़ा मेला बढ़ता है बादवा में और माघ में मैं 15 दिन का 14 दिन का मेला बढ़ता है ये और जो ये यहाँ संस्था बनी हुई है बड़ी है कम से कम 45 कमरे हैं वीआईपी रूम है और भी संस्था है जी के काम जी है जी संस्था जी के काम में जी कोई आवे बिन अठे चंदा लेती है एक तो उसमें अभी इस मेले में 4,10,000 रुपये आए हैं बेचे जी मतलब के काम में है धर्मशाला और मंदिर निर्माण का तो ये नया कमरा बनाना है या फिर भी कोई जगह पड़ी है तो फिर बनाना है या टूट फूट है तो इन तोड़ के तैयार करनी फिर रुपये ये का आपकी 10 रुपये ये चंदा से बनता है जी हाँ भजन वगैरह है हाँ भजन वगैरह है ये तो देखो कामड़ का कामड़ है कामड़ होते हैं बाबा कामड़ ठेठसू डाली बाई के तो भी कामड़ भी कामड़ भजन करेगा तो वो भजन कर जे बारू ही है कि भी किंग आस्था है बुलानेगी तो बड़ा कलाकार बारू मुला लो ताकि ये नम्यू का दिन ही है कि जागरण लगाओ और दस्यू में बाबा को ये है कि भोग भरो अच्छा अब कितना दिन वो मेलो जी अभी तो देखो ये 15 दिन चल रहा है वो मेलो तो अभी तो ये 2 दिन हो गया संपन्न हो गया सुबह भोग लगती है और भंडारा भी लगता है शाम को हाँ भंडारा भी होता है सुबह भी शाम को होता है सुबह और होता है वो पंजाब के लोग आते हैं ना वो स्पेस हर साल करते हैं वो अच्छा बंग द्वारा ही होता है हाँ हाँ और यहाँ एक मदर टेरेसा सेवा संस्था है उन्होंने भी नवमी को रात को भंडारा लगाते हैं और सुबह पंजाब की जो ये श्रद्धालु आते हैं ना वो हर साल आते हैं वो सुबह वो करते हैं देखो डाली भाई की हैं भी आएंगी हैं भी रामदेव जी भगत ही बचपन से तो अब बाबा रामदेव जी गई हैं एक टोकड़िया चरावती तो इन जैसे कि एक भी चलो घर में हो ही है बाबा रामदेव जी समाधि लेने लग गया तो इन्हें कोई दर्शा हो तो आप बठू चल रही तो बिंग बाद में कि हो भी बाबा को कह भी समाधि मेरी है जब अंग बाबू तो देखो भाव है प्रेम भाव तो हो ही है जी हो गयो जब बाबो कहने लग गया कभी ये भी मेरी समाधि है बा कह भी मेरी समाधि है जब बाबो कह भी तेरी समाधि में क्या निशानी है जब डाले भाई कह भी मेरी समाधि में खोदो थे यानी आटी डोलडा कांगसियो ये मेरी समाधि में बाप जी निकलेगा अच्छा तो ये भी समाधि खोदी तो ये भी निकल गया तो डाली भाई समाधि ले ली बाबा रामदेव जी से कि तो समाधि लेने के बाद में बाबा रामदेव जी की एक भी विष्णु रूप दिखायो डाली भाई ने अच्छी तरह से तो इन दिए परचो डाली भाई ने पहलो परचो तो है कभी एक भी तेना ही एक मेरे से पहला तेरा 2 लाख सी बिंग बाद में ही एक मेरा सी तो ये एक भी डाली भाई से ये छोटा है डाली भाई आंसू बड़ी है मान्यता तो चलो ये पहला डाली बाई के लगा लो फिर बाद में ये बाबा रामदेव जी की बाद में गुसाई जी महाराज की बावन गुसाई जी की दोक ना लगे तो रामदेव जी आई भी बात है नहीं ये तो देखो ये चलावा यहाँ पा भी आई हो जाए और ये एक भी चलो गुसाई दादो मारा लागू है मिर्चा वाली गांव है अच्छा मिर्चा वाली थे आया ओके हां मिर्चा वाली अच्छा अच्छा मतलब कोई बाबा को परचो होयो है या फिर किया बाबा को परचो होयो है भाई 20 साल हो गया मैंने ठहरन थी अच्छा के परचो होयो थोड़ा मारे परचो यहां होयो है कि भी मेरो भी बू पे टंग शादी होगी आदमी सिर पर कोनी ददांगा सरना बैठिया अच्छा मेरा सारा काम पूरा होना मतलब थारे धोक बोलेड़ी बाबा हां धोक बोलेड़ी के बू बेटा ने लेके आऊंगी जद आज मेरे अच्छा भाई हर साल आओ की थे हर साल आओ हर साल आओ मतलब कोई मन्नत मांग रखी है या फिर पूरी होगी मांग रखी है अच्छा के बताओ बाकी के मांग रखी है बताओ कौन यहां थोड़ी तो जे पूरी होई तो अच्छा परिवार का सदस्य थार परिवार फैमिली पूरी आवे की पूरी फैमिली आराम दे जी बाबा ने बहुत माना में अच्छा अच्छा बिया पैदल भी बोल रखी है या फिर बिया किया क्या प्राय हो तो अब तो घट ले गए हैं अच्छा पैदल भी बिया बोल रखी है मनोकामना पूरी हो जाए अच्छा प्रसाद के रूप में है वो के थे चढ़ाओ नारियल चढ़ा दिया लड्डू वगैरह
तो अठे मंदिर के अंदर आगे है वो थनकियां लगने लग रही। फर्स्ट टाइम आयो मैं। अच्छा पहली बार आया? हाँ। तो पहली बार आया वो तो थनकियां लग रही अठे बहुत अच्छा लगा। अच्छा थने जिया मतलब परिवार नु ले गया है या फिर पहली बाबा को चमत्कार है जिया सुने? हां फैमिली के साथ ही आए। अच्छा पर रामदेव जी के मंदिर के अंदर हां और वो पीछे मैं थन दिखाना चाहूंगा गोसाई जी महाराज जी को मंदिर बनेड़ो है। पहले डाली भाई की धोख लागे बिंग बाद में रामदेव जी की धोख और बिंग बाद में है गोसाई जी महाराज की भी धोख है लागे आ है कि मान्यता है इन मान्यता पीछे के कारण है वो भी थे कमेंट करके थारी राय है वह भी थे जरूर जरूर देने की कोशिश करियो। अच्छा वीडियो है वो शेयर जरूर करियो और वीडियो किशोक लगे थारो प्यार है वो भी थे देता रहियो। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दियो सारे बेल आइकन घंटी को निशान है वो भी दबा लियो ताकि नेक्स्ट वीडियो आओ थाने नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हनुमानगढ़ जय राजस्थान जय हिंद।